तो चलिए स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो बहनों आज हम लोग यानी कि 4 तारीख के दिन पोषण अभियान के जन आंदोलन डैशबोर्ड पे कौन कौन सी एक्टिविटी को भरेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि पोषण अभियान के जन आंदोलन डैशबोर्ड पे आप लोगों को सिंपली अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक थीम सिलेक्ट करना होगा जिस थीम के तहत हमें एक एक्टिविटी करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक दिन में 5 ही एक्टिविटी को इस जन आंदोलन डैशबोर्ड पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीम को सिलेक्ट करेंगे, थीम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हम लोगों का अभी जो थीम चल रहा है वो एनीमिया से रिलेटेड चल रहा है, तो हम लोग एक थीम जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एनीमिया को। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोगों को अपना स्तर सिलेक्ट कर लेना है यानी लेवल सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस लेवल से इस फॉर्म को अपलोड कर रही हैं। जैसे कि आप एक आंगनवाड़ी सेविका है तो यहाँ पे आप अपना आंगनवाड़ी का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप अपना आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि आपका यूनिक कोड के साथ आपका आंगनवाड़ी सेंटर कोड भी रहेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गतिविधि सिलेक्ट करना है यानी जो आप थीम सिलेक्ट किए हैं उस थीम के अनुसार आपको यहाँ पे गतिविधि सिलेक्ट करना है। और जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे थीम और गतिविधि के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो रही हैं कि थीम कौन सा है, गतिविधि कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आप लोग विषय देख रहे हैं हिंदी में जो आंगनवाड़ी सेविका फॉर्म को भर रही होंगी तो यहाँ पे विषय लिखा हुआ आएगा, या इंग्लिश में आप लोग फॉर्म को भर रही होंगी तो यहाँ पर आप लोगों को थीम लिखा हुआ आएगा। यानी कि ये आपका थीम हो गया और ये आप लोगों का गतिविधि हो गया। यानी कि यहाँ पे आप लोग पहले थीम सिलेक्ट करेंगे, उस थीम के अनुसार यहाँ पे कई सारी गतिविधियाँ दी जाती है, उस गतिविधि को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया है कि थीम कौन सा है और गतिविधि कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एनीमिया का जो थीम है वो सिलेक्ट किया है तो उस थीम के अनुसार हमें यहाँ पर एक गतिविधि को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर गतिविधि को ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद देख सकते हैं कई सारे जो गतिविधि है उस थीम के अनुसार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रेन, एनीमिया कैंप फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स 14 to 18 ईयर्स। अगर यहाँ पे आप लोग ये 1, 2 तारीख और 3 तारीख तक नहीं किए हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग 1, 2, 3 तारीख में ये अलग अलग जो एक्टिविटी है वो कर लिए हैं तो यहाँ पे आप अलग एक्टिविटी आज के डेट में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इस एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, पंचायत बेस्ड सैनिटाइजेशन सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनीमिया का जो थीम है उसके तहत यहाँ पे हमने एक गतिविधि को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम तिथि को ऐड करेंगे यानी आज की जो तिथि है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 तारीख का जो डेट है वो देखने को मिला है। तो आपको बता दूँ कि मैं 4 तारीख की वीडियो को मैं 3 तारीख को शूट कर रहा हूँ जिसके कारण आप लोगों को ये डेट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे अपने अनुसार 4 तारीख का डेट खोलेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा और आप लोग यहाँ पे डेट 4 तारीख का ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप भागीदारी विवरण को भरेंगे यानी कि जो आप लोग पंचायत बेस्ड सैनिटाइजेशन का जो एक्टिविटी सिलेक्ट किए हैं तो उसके तहत कितने वयस्क लोग यहाँ पे मौजूद थे और कितनी महिला मौजूद थी, बच्चे कितने थे, तो वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 7 वयस्क यानी कि 7 पुरुष लोग मौजूद थे, ठीक है। पंचायत का ये यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है तो यहाँ पे हम 5 महिला को डाल देंगे। अगर बच्चे यहाँ पे हैं तो इसको हम लोग डालेंगे, नहीं तो हम इसको 0 ही रहने देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडोल्सेंट गर्ल्स अगर वहाँ पे मौजूद थी तो उसको डालेंगे, तो यहाँ पे 2 हम एडोल्सेंट गर्ल्स का जो नंबर है वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चित्र अपलोड करें यानी कि आप इस एक्टिविटी के तहत फ़ोटो वगैरह कैप्चर करती हैं तो यहाँ पे ब्राउज फाइल को ओपन करके यहाँ से उस फ़ोटो को अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, विवरण अगर आप लोग भरना चाहें तो इसको भर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और नीचे आके आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आप लोगों का यहाँ पे एक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे जो है विकास की ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि वृद्धि निगरानी। यहाँ पे विकास निगरानी दूसरी थीम हो गई और उस थीम के अनुसार हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गतिविधि है यानी कि विकास निगरानी के तहत आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारी एक्टिविटी जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है अगर आप लोगों के यहाँ पे विकास निगरानी के दिन जो है सुपरवाइज़र या CDPO मैम जो है वहाँ पे मौजूद रहती हैं तो ये एक्टिविटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंसेशन सेशन ऑन ग्रोथ मॉनिटरिंग और प्रोमोशन का आप लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रोथ मेजरमेंट ड्राइव
स्वस्थ बालक स्पर्धा, सेम में बच्चे का स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो आप लोग पिछले 2-3 दिनों में वो एक्टिविटी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद आप लोग यहाँ पे उस एक्टिविटी में यानी कि जो आप ग्रोथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने व्यस्क हैं, तो यहाँ पे व्यस्क को हम लोग जीरो करेंगे। यहाँ पे अगर कोई महिला मौजूद है तो उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, तो बच्चों की संख्या डालेंगे, कितने बच्चों की यहाँ पर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो की गई है। तो यहाँ पर बच्चे लड़के और लड़कियों की जो संख्या है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चित्र को अपलोड करेंगे यानी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और यहाँ पे विवरण भरना चाहें तो भरेंगे और इसको आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब हम आइए दिखाते हैं आपको तीसरी एक्टिविटी के बारे में। तीसरा जो एक्टिविटी है वो आप लोग यहाँ पर जन संवेदनशील गतिविधियाँ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइकिल रैली, प्रभात फेरी, स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस, इम्यूनाइजेशन कैंप, एंटीनेटल चेकअप, अनुप्रासन दिवस, VHSND, ये सारी गतिविधियाँ हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी अगर नहीं किए हैं तो उसको यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आज हम लोग स्पोर्ट डे पर क्लिक करेंगे यानी खेल दिवस का जो है हमने आज आयोजन किया है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट डे में यानी खेल दिवस में कितने बच्चे मौजूद थे तो उन बच्चों की संख्या हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं 8 बच्चे मौजूद थे और यहाँ पर 10 बच्चियाँ मौजूद थी, तो यहाँ पर आप लोग इसको 10 यहाँ पे संख्या जो है दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों की संख्या डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह जो है अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विवरण भरना चाहें तो भरेंगे, नहीं तो हम आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों का इस प्रकार से तीसरा जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चौथे थीम को सिलेक्ट करेंगे जो है यहाँ पर बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी की, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, इस गतिविधि को सिलेक्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट इन पोषण ट्रैकर बाय सुपरवाइजर, स्पोर्ट ग्रोथ मेजरमेंट ड्यूरिंग फील्ड विजिट बाय सुपरवाइजर। तो अगर आपके यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा जो है ग्रोथ मेजरमेंट किया जा रहा है, स्पोर्ट फील्ड में जाके विजिट करके जो सुपरवाइजर मैम है वो विजिट करके जो है यहाँ पे ग्रोथ मेजरमेंट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी अपडेट सुपरवाइजर के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम बेनिफिशियरी मोबाइल अपडेशन ऑन पोषण ट्रैकर वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे जो विवरण है इसका भरेंगे, कितने यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ मौजूद थी, कितने पुरुष और महिला मौजूद थे। ठीक है, इसको भरने के बाद हम लोग आके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर 4 एक्टिविटी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 5वां जो एक्टिविटी है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण यानी कि एक पेड़ माँ के नाम जो थीम है उस थीम के तहत आप लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी को कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो आंगनबाड़ी सेविका बहन है एक पेड़ माँ के नाम जो प्लांट लगा रही हैं उस एक्टिविटी को आप लोग यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भागीदारी विवरण पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको भर के सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों का आज के दिन यानी 4 तारीख के दिन जो है 5वीं एक्टिविटी यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग आज के दिन ये एक्टिविटी कर लेंगे। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।